सो हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू हर चैनल। मैंने इसको पहले से सिखा के रखी थी कैसा बोलना। तो आज हम लोग आए हैं डिनर करने के लिए फैमिली के साथ में, और आज का जो स्पॉन्सर है वो ये है गुड्डू जकरिया, हम लोग का दोस्त, हम लोग का फ्रेंड। आज वो भी आया हुआ है, तो अभी मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, हम लोग ही फर्स्ट टाइम आए, तो चलो अभी अंदर देखते हैं कैसा क्या है। तो लेट्स गो। सो गाइज, हम आए हैं आलीशान ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट। तो ये रहा बाहर का व्यू, कुछ इस तरह दिख रहा है। एंड थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो ये सेल्फी लेने के लिए उन्होंने बनाया है, यहाँ पे सेल्फी भी ले सकते हैं आप। और ये साइड पे इतने बड़े बड़े खाने के पोस्टर्स लगे हुए कि इसको देख के वैसे ही मुंह में पानी आ जाए। तो इन लोगों ने डेकोरेशन बहुत अच्छा करके रखा था, मतलब ये आउटसाइड का है और एक इनसाइड है, मतलब वो उधर प्राइवेट का है, यहाँ ओपन है। यहाँ पे आप बैठना चाहो तो यहाँ बैठ सकते हो, और अगर आप प्राइवेट में बैठना चाहे तो प्राइवेट में बैठ सकते हो। तो अभी मैं आपको ले जा रही हूँ प्राइवेट साइड में। पहले यहाँ का नज़ारा देख लो, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ना। हाँ तो चलो अभी चलते हैं अंदर। हर जगह जगह पे इन्होंने लिखा है आलीशान ढाबा, आलीशान ढाबा, और बहुत अच्छा सा पेंटिंग किया हुआ है, इधर पांडा लटका हुआ है बहुत ही क्यूट सा। तो ये रहा अंदर का, ये कैबिन टाइप में बना हुआ है कि अपनी अपनी फैमिली आराम से यहाँ पे बैठ के विदाउट कोई डिस्टर्बेंस इंजॉय कर सके। तो यहाँ पे अभी हम लोग आके बैठे हैं, गुड्डू हाय बाय कर रहा है, और ये रही मैं पोज देते हुए कि आज की सेलिब्रिटी मैं ही हूँ। बस इससे हो गया मेन्यू कार्ड में, समझ रहा नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया। मेन्यू कार्ड में पेट्रोल खत्म हो गया, जल्दी ऑर्डर करो दोनों। हाँ, ऐसा जैकेट वैकेट पहन के आए जैसे कश्मीर में आए हैं लोग, सारी दुनिया की ठंडी इनको ही लग रही मुंबई में। कश्मीर वाली फीलिंग तो लगेगा। क्या सोचे क्या ऑर्डर करने का है? चिकन लॉलीपॉप। सोने का कटोरा देंगे तो भी भीख ही मांगेगा। हाय मिक्की। हाँ बोल रहे, मेरे चड्डी का कलर चेंज करो खाली, मैं रेड पैंट पहन के थक गया हूँ। सो यहाँ पे आ चुके हैं वेटर भाई साहब या भैया जी, मतलब हमारा ऑर्डर लेने। तो यहाँ पे नाज़ अल्तार डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग को स्टार्टर्स में क्या मंगाना है, उन लोग को समझ नहीं आ रहा है। तो उससे पूछ रहे हैं, मतलब उस वेटर से, कि यहाँ का स्पेशल क्या है। डिसाइड करने के बाद सबसे पहले आया है फ्राई चना। जी हाँ, यहाँ के हर ढाबे में आपको ये स्टार्टर्स में यही मिलता है, मतलब हर कोई यही ऑर्डर करता है, इसको बोलते हैं टाइम पास। और मैं यहाँ पर इन लोगों को चना फॉक से खा के दिखा रही हूँ, क्योंकि उन लोग मुझे बोलते हाथ से खा, मैं बोली नहीं मैं फॉक से ही खाऊंगी, तो वही इतरा के मैं दिखा रही। और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था मसाला पापड़, और यह गुड्डू को मैं पूछ रही तूने सादा ऑर्डर क्यों किया है, तो वो बोल रहा है कि बिल मुझे ही भरना ना, इसलिए मैंने सादा ऑर्डर किया। और ये हम लोग ने मसाला ऑर्डर किए थे, मसाला पापड़, जो बहुत ही टेस्टी था, यमी, बिल्कुल सही। तो स्टार्टर्स में ये था, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। आगे आ चुका है सैलेड, जो हर डिश की जान होती है, यहाँ से मैं गाजर चुरा के खा। फिर सेकेंड स्टार्टर्स हमारा था चिकन मलाई टिक्का, जो ये है दिखने में भी यम्मी, खाने में भी, मैं किस तरह से खा रही हूँ ऐसा लग रहा फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, जी नहीं। और यहाँ पे ये बिल्ली मुझे बहुत घूर घूर के देख रही थी, मैं बोली ले बेटा तू भी खा ले, तो वो चिकन लॉलीपॉप खा रही है, और मैं यहाँ पे पापड़ इंजॉय कर रही हूँ फुल एकदम मस्त में। फिर हमारा डिश था काजू स्पेशल, तो मतलब ये डिश का नाम है, उसमें भर भर के काजू डाला हुआ है। फिर थर्ड था चिकन लॉलीपॉप, जो अल्ताफ़ ने बोला था मैं यही खाऊंगा, अल्ताफ़ का फेवरेट है, और हमारा टेबल देख सकते हो कितना मैसी पड़ा हुआ है, और चिकन लॉलीपॉप तो क्या कहने। फिर हमारा मेन कोर्स में था चिकन अंगारा, बटर चिकन अंगारा, एंड ये रुमाली रोटी, जिसकी साइज़ में दिखा रही थी कि ये कितनी बड़ी है, इवन हम लोग ने खा भी नहीं पाए, एक ही हम लोग ने खाए। ना उसको मैं बोली दिखा ना जिसकी साइज़ कितनी बड़ी है, और ये सब हम लोग को पार्सल ही लेके जाना पड़ा, क्योंकि हम स्टार्टर ही इतना खा लिए थे कि हमसे खाया ही नहीं गया, तो इसीलिए ये होगा पैक। मैं यहाँ पे कर रही हूँ कोक सर्फ,
क्योंकि सेकेंड वेटर मुझे ही बना दिए थे इन लोग ने, तो खाने के बाद तो बनता ही है, तो उन लोग मुझे चिढ़ा भी रहते, तो इसलिए मैं हंस रही हूँ और उन लोगों को मैं बोल भी रही हूँ शट अप, इतना तो चलता ही है। वैसे मैं सर्व करने का काम काफ़ी अच्छे से कर लेती हूँ, यू नो। आओ फ्रेंड्स चाय पी लो। दिखा इसको, देखो कोक में डाल के ककड़ी और ये गाजर खा रहा है, बताओ। सो गाइज ये रहा हमारा बिल, जैसे आप देख ही सकते हो हमारा टोटल बिल आया है 2070 रुपये का, चलता है इतना ज़्यादा नहीं है। और ये रहा हमारा एकदम मैसी टेबल जो इतना गंदा कर चुके हैं हम लोग ने आफ्टर डिनर बाद। अच्छा था खाना? माशाल्लाह बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खाने के बाद हम आ चुके हैं बाहर, बहुत सारी सेल्फियाँ भी ले ली थी और हम आलिशान को बोल रहे थे बाय बाय नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, और हम निकल गए घर के लिए। रास्ते में हमने देखा यहाँ पे कुछ हो रहा था, ढोल बज रहा था, डांस हो रहा था, आई डोंट नो क्या हो रहा था। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, आई होप कि सबको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।